हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग गुड हेल्थ, गुड लर्निंग। कई सारे बच्चों ने पूछा है कि सर, बोर्ड एग्जाम की या किसी एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें? आपको लाइफ में कई सारे एग्जाम्स देने हैं और एग्जाम को देने के लिए आपको सबसे पहले तो जो आपका पेशेंस है, धैर्य है, उस धैर्य को कभी मत खोइए। पेशेंस जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बोर्ड पेपर की बात करते हैं, जब आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो पहले पेपर को एक बार थारोली पूरे पेपर को एक बार आप शुरू से लेकर अंत तक उसे पढ़िए, उसमें देखिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छी तरह मालूम है, किन क्वेश्चंस के आंसर में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और किन क्वेश्चंस के आंसर्स आप बना करके लिख सकते हैं या कोशिश करके लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसके उत्तर आपको अच्छी तरह से मालूम है। इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आपको क्वेश्चन फोर का आंसर लिखना है तो आप कॉपी में लिखेंगे आंसर फोर। यदि आपको क्वेश्चन फोर का एक आंसर लिखना है तो आप कॉपी में लिखेंगे आंसर फोर ए। कई बच्चे ये गलती कर देते हैं, आंसर नंबर नहीं लिखते हैं। इससे जो एग्जामिनर होता है वो कंफ्यूज होता है कि बच्चे किस चीज, किस प्रश्न का आंसर लिखे हैं, तो वो मार्क नहीं देता है। इसलिए जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप कर रहे हैं या आप कर रही हैं, सेम आंसर नंबर वही लिखिए। जैसे यदि आपने क्वेश्चन फोर ए का आंसर लिखना है तो आप उसमें लिखिए आंसर फोर ए, आंसर फोर बी, या क्वेश्चन सेवन का सी आप लिख रहे हैं तो लिखिए कॉपी में, आंसर शीट में, आंसर सेवन सी। यदि आपको सिक्स का डी लिखना है तो लिखिए आंसर सिक्स डी। जो भी क्वेश्चन नंबर होगा या सब नंबर होगा, सेम आंसर में वही चीज आप लिखेंगे, बोर्ड में भी और कंपिटिटिव एग्जाम्स में भी आंसर नंबर सेम होना चाहिए क्वेश्चन नंबर के अनुरूप। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर आंसर शुड बी सेम एज गिवन इन क्वेश्चन पेपर। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा आंसर में उसी क्वेश्चन का नंबर लिखिएगा। कुछ पेपर जैसे इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत, जो लिटरेचर वाले शब्द, जो लिटरेचर वाले सब्जेक्ट हैं, इसमें कुछ अपने मन से भी लिखने का प्रयास कीजिए, जो आपने बुक में पढ़ा है अपना व्यू भी दीजिए उस पर कि आपका उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे आपके क्या विचार हैं। आपने जो याद कर लिया सब उसी को मत लिखिए, बल्कि आपके अपने क्या विचार हैं उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे, उसको भी मेंशन कीजिए। क्योंकि एग्जामिनर ये कॉपी चेक करते समय ये देखते हैं कि इस टॉपिक पे इस बच्चे के क्या विचार हैं, और यदि आप अपने विचार को लिखेंगे तो एग्जामिनर आपसे प्रभावित होकर आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क भी दे सकते हैं। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, लिटरेचर सब्जेक्ट में अपने व्यू जरूर लिखिएगा। और जो शब्दों की समय सीमा है, जो शब्दों की सीमा होती है कि 60 वर्ड्स में लिखिए, 20 वर्ड्स में लिखिए, या 100 वर्ड्स में लिखिए, या 150 वर्ड्स में लिखिए, इसको भी आपको फॉलो करना है। यदि वो क्वेश्चन 20 शब्दों का आंसर मांग रहा है तो आपका आंसर 18 से 22 शब्दों के बीच ही होना चाहिए, 18 से 22 या 25।
उसके लिए बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और जो बड़े उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो 60 वर्ड्स में आंसर मांग रहा है पेपर में, तो आप 40 से लेकर के 70 वर्ड्स तक के आंसर ही लिखिए, न इससे कम लिखिए न इससे ज्यादा लिखिए। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि जो शब्दों की सीमा है उसको भी आप फॉलो एग्जाम्स में अवश्य करिए। इसके अलावा एग्जाम्स में बहुत पेशेंस रखिए, अपने साथ हो सके तो एक बॉटल लेके जाइए, बॉटल अपने पास रखिए ताकि आपको जब भी प्यास लगे तो आप पी सकते हैं पानी, क्योंकि आपको एग्जाम में बार बार उठ करके पानी पीने की तो परमिशन एग्जाम्स में नहीं मिलते हैं, तो एक बॉटल अपने साथ अवश्य रखिए और एक हैंकी हैंडकरचीफ रुमाल अपने साथ, एक रुमाल भी रखिए। तो ये दो चीजें बहुत मस्ट हैं, पानी की बॉटल और एक हैंकी, इसको भी आप अपने साथ कवर कीजिए। और ब्लू पेन और ब्लैक पेन, दो तरह के पेन का प्रयोग आप कर सकते हैं अपने उत्तर को, अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए आप ब्लैक और ब्लू पेन्स का यूज कर सकते हैं। अपने साथ आप हाइलाइटर भी रखिए, यदि किसी पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है तो आप वहां पे हाइलाइटर से अंडरलाइन कर सकते हैं। जो लोग कॉपी चेक करते हैं, जो भी एग्जामिनर्स कॉपी चेक करते हैं, वो इन चीजों को देख करके ये समझ जाएंगे कि इस स्टूडेंट में पोटेंशियल है, इसको इस विषय की नॉलेज है, और वो आपको अच्छे नंबर देंगे। इन चीजों को आप करेंगे तो निश्चित ही बोर्ड एग्जाम ही नहीं, किसी भी एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आएंगे। अपने साथ पानी की बॉटल, हैंकी, ब्लैक ब्लू के 4 या 5 बॉल पेन, हाइलाइटर, पेंसिल, इरेजर और व्हाइटनर, इन चीजों को भी आप अपने बॉक्स में अवश्य रखें। परीक्षा के समय, एग्जाम्स के समय इन चीजों को भी आप अवश्य रखें ताकि आपको परीक्षा देने में कोई भी परेशानी ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके अपने व्यू, जो आंसर आए हुए हैं, जो सब्जेक्ट आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, जो भी क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको आप अपना व्यू भी स्पेशली लिटरेचर सब्जेक्ट में अवश्य दें, इससे एग्जामिनर आपसे प्रभावित होंगे और आपको नंबर अच्छे देंगे। तो और अपना पेशेंस नहीं खोना है, अपना धैर्य नहीं खोना है, बहुत आराम से पेपर देना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और विषय पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए और उस सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे, जो भी वीडियोस बनाकर भेजे जा रहे हैं उन वीडियोस को आप देखेंगे, उसको कॉपी में लिखेंगे, उसके फार्मूला, उसके अगर इंग्लिश का वीडियो आप देख रहे हैं तो उसका आप स्ट्रक्चर लिखेंगे, ट्रांसलेशन का जो स्ट्रक्चर है, या लेटर राइटिंग कैसे लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर आप कॉपी पे लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके उसको लैंडस्केप करके उसका आंसर आप कॉपी पे लिखेंगे, और निश्चित रूप से आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग।